हम सबको गौरवित महसूस कराता है कि इस पूरे विश्व के अंदर भारत कितनी बड़ी शक्ति है। एक विशाल देश, एक मजबूत देश। आज के दिन जब राजपथ पर, जनपथ पर और सभी जगह शताब्दियों के पश्चात जब पूरा विश्व हमारी ताकत को देखता है, हमारी मजबूती को देखता है, हमारे परेड को देखता है, हमारी संस्कृति को देखता है, विभिन्न राज्यों की झांकियों को देखता है, छात्र छात्राओं द्वारा अपने किए हुए वहाँ प्रदर्शन को देखता है, तो निश्चित तौर पर पूरे विश्व के अंदर हम सबको ये गौरवान्वित महसूस कराता है कि हम सब लोग बहुत खुश नसीब है कि हम लोग इस भारत देश में हमारा जन्म हुआ और इस भारत देश के हम लोग नागरिक हैं। मैं आप सबको पुनः सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग हमारे लोकतंत्र मजबूत रहे, भारत मजबूत रहे, हम सब एक रहकर और इस देश को अधिक मजबूत, विकसित, धार्मिक संस्कृति के लिहाज से भी और मजबूती से इस विश्व के पटल के सामने रखे, जो हमारे स्वतंत्र सेनानी, जो हमारे इस देश के एक एक नागरिक का योगदान इस देश को मजबूत करने में रहा है, उस योगदान को हम आगे बढ़ाए। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, हमारे छात्र छात्राएं जो यहाँ आज आए, आप लोग, हम लोग सब मिलकर, हम देश के भविष्य है, आप लोग देश के भविष्य हो। ये देश आपका राज्य, आपका कस्बा आपके ऊपर निर्भर है। आपकी मेहनत, जीवन में आगे बढ़ने की जो आपकी लगन है, जिसकी वजह से आप अपना मुकाम तय करोगे और ऊंचाइयों पे जाओगे और श्रेष्ठ बनोगे, उसमें आप सब लोग मिलकर इस देश में आपका अमूल्य योगदान जो है वो मिलता रहे और हम सब लोग हमारे क्षेत्र में भी निरंतर शुद्ध विचार से, पावन आत्मा से, अच्छी सोच से प्रतिस्पर्धा को एक किनारे रखते हुए हमारे यहाँ के आम नागरिक किस तरीके से आगे बढ़े, छात्र छात्राएं कैसे आगे बढ़े, ये क्षेत्र कैसे विकसित हो, यहाँ के लोग कैसे सुखी रहे, यहाँ नशा मुक्ति रहे, यहाँ उन सभी तत्वों से हम लोग दूर रहे जिसकी वजह से समाज को नुकसान पहुंचे, और हम सब लोग मिलकर इस पूरे क्षेत्र को किस हिसाब से विकसित बनाना है, राजनीति से ऊंचे उठकर हमारे शुद्ध विचारों से सभी जनप्रतिनिधि बिना एक दूसरे के खिलाफ विमर्श की कार्रवाई करते हुए हम लोग सब मिलकर अगर हमारे क्षेत्र के बारे में सोचेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा ये क्षेत्र और कस्बा आगे बढ़ेगा। उसकी वजह से यहाँ शिक्षा भी आएगी, उसकी वजह से आर्थिक व्यवस्था के तौर पर भी लोग मजबूत होंगे और हमारे ये देश के भविष्य जो है वो अग्रसर होते जाएंगे। आप सबके साथ मिलकर हम जितना हो सके वो हमारे क्षेत्र के लिए करेंगे। आप सबको मैं पुनः इस दिन के और आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।